वॉइस ऑन स्क्रीन आ है वॉइस इज क्लियर नॉट ओके नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 नेशनल पॉलिसी

वो पॉइंट था ओल्ड वर्जन के अकॉर्डिंग अभी का जो न्यू है न्यू पैटर्न में ये मेंशन किया गया कुछ बुक्स में कि जो 1968 1980 सिक्सटी 1968 एक पॉलिसी नहीं है पॉलिसी नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशन था जहां पे हमने उस ईयर में 1968 में नेशनल पॉलिसी 1986 सिक्स को इम्प्लीमेंट किया डिक्लेयर किया कि ये पॉइंट ये पे इस इस पॉइंट पे ज्यादा विच वी डिस्कस्ड और ऑन विच वी वर्क हम उसके ऊपर काम करेंगे या फिर हम करते आ रहे हैं एंड उसको और भी ज्यादा मॉडिफाइड करेंगे तो इसलिए कुछ-कुछ जगह पे चेंज हो गया एंड इसको मेंशन किया गया है कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 इज द फर्स्ट वन ये पहला है बट हम क्लियरिफाई करके ये मेंशन करेंगे कि अभी का क्या हो गया पूरा सिस्टम चार हो गया दैट मींस चार नेशनल पॉलिसीज आए फर्स्ट वन then national policy on education 1968 second one national policy on education 1986 third one 1992 that is a revised policy uh, policy on education then last one new education policy that is 2020 okay इतना मेंशन करना है इतना याद रखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अभी चलते हैं सो द ड्राफ्ट और ए ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट एंड टाइटल चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन हमने एक ड्राफ्ट बनाया ठीक है जस्ट लाइक रिपोर्ट हमने एक रिपोर्ट बनाया और ड्राफ्ट बनाया जिसमें हमने मेंशन किया कि ये क्या है चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन है इसको नाम क्या दिया गया एंटाइटल्ड हमने नेमिंग किया किसके थ्रू नेमिंग किया चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन बोल के हमने नेमिंग किया दैट मींस ये एक पॉलिसी है पॉलिसी क्या होता है ना जब भी टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं LIC के आप देखे होंगे कुछ पॉलिसीज हो या LIC जीवन बीमा समथिंग जो भी आप बोल रहे हो तो वहाँ पे मेंशन रहता है कि ये सारे चीज आपको बहुत देख जान के करना पड़ता है एंड इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं कि आप अपने हिसाब से ही पैसा लगाओगे या फिर कुछ करोगे एंड उसमें अगर कुछ भी नुकसान होता है उनका कोई भी जिम्मेदारी नहीं है ये सारे आ, बैंक्स के भी रूल होते हैं एंड इनके भी रूल्स होते, रूल होते हैं ऐसे ही रहता तो है तो सेम थिंग जब पॉलिसीज आते हैं ना डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं तब क्या होता है ना वहाँ पर मैंशन किया जाता है कि ये पॉलिसीज में बहुत सारे पॉइंट्स हमने ऑब्जेक्टिव्स डाले बट ये ऑब्जेक्टिवस इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग पहले क्या होता है पास्ट होता है आफ्टर दैट जब हम इंप्लीमेंट करते हैं दैट मीन्स बच्चों के ऊपर डाला जाता है इफ uh, क्या हुआ प्रॉब्लम हो गया कि एक पॉलिसी में एक ऑब्जेक्टिव काम नहीं कर रहा जैसे कि हम बोलते हैं ना इतने सारे पॉइंट्स हैं मेरे पास इतने सारे चीज़ें हैं बट मैं एक चीज़ में बहुत पर्टिकुलर हूँ बाकी पॉइंट्स में मैं अच्छा नहीं हूँ तो जो पॉइंट्स अच्छा नहीं होता है तो उसमें से भी हम सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा नहीं चाहिए एंड उसको एलिमिनेट करते हैं या फिर हटा देते सेम थिंग इसको क्या किया जाता है पहले तो वॉज इशूड बाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डॉक्यूमेंट बनने के बाद जिसका नाम मैं चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन हमने क्या किया पहले तो इशू करवाया दैट मीन पासन के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ओके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन याद नहीं रहा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेन्शन करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम देअ वॉज ए नेशन वाइड नेशन वाइड पूरे नेशन में क्या चला वन काइंड ऑफ आप बोल सकते ना डिबेटिंग चला क्या परिवर्तन है, 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 है या नहीं जरूरत है या फिर किसको मॉडिफाई कर सकते है तो डिवेटिंग चलता रहा पूरे कंट्री में फाइनली द न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन नाइनटीन एटी सिक्स केम इन टू एक्सिस्टेंस आफ्टर अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट में इसको किया गया उसके बाद 1986 में ये काम पे आया, हुआ. हम मैं इसके कुछ कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट सो आपको मैंने ट्रिक बताया था कि पहले तो आप हेडिंग से याद करोगे पहले क्या करेंगे सारे को हम याद नहीं रख सकते इसलिए हेडिंग से याद रखेंगे रिगार्डिंग एसेंस ऑफ एजुकेशन रिगार्डिंग जुकेशन देन नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड उसके बाद आता है एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल्स इतना चार पॉइंट पहले याद रखिए चार चार करके चलो Easy होगा आपको चार पॉइंट्स याद रखेंगे चार पॉइंट लिख के रखोगे अच्छा पढ़ाई का एक रूल तो अभी तक के लिए फिक्स रखिएगा कभी भी आप पढ़ो तो आपको लगता होगा कि हम बड़े हो गए बहुत तो हमें प्रैक्टिस नहीं नीड है तो प्रैक्टिस मेक्स एन मैन परफेक्ट ये तो आप लोग समझ हैं तो ये चीज जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें जैसे हम टेंथ में पढ़ते थे या प्लस टू में पढ़ते थे ना जस्ट सपोज uh, uh, मैंने कुछ चीजों को पढ़ा एंड उसको फिर से नोट डाउन किया फिर या फिर राइट डाउन किया तो उसको नोट डाउन करना दैट वो पूरा क्लियरली रहेगा राइट डाउन करना दैट मीन्स वो प्रैक्टिस सीट है जहाँ पे आप हैवीचुअली आप क्या करते हो प्रैक्टिस करते हो उसको मिटाते हो फिर से प्रैक्टिस करते हो री प्रैक्टिस करते हो ऐसा चलते रहेगा तो वैसा अभी भी करिए ज्यादा नहीं एवरी डे टू थ्री पेजेस को करिए बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा आपका एंड रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे सो रिगार्डिंग एसेंस ऑफ एजुकेशन एनपीई स्टेट दैट एनपी ने क्या बताया एजुकेशन इज एसेंशियली फॉर ऑल क्या करेंगे एजुकेशन सबके लिए फटाफट करते है एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर ऑल सबके लिए एजुकेशन है ये फंडामेंटल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एक बच्चा का फंडामेंटल ग्रोथ फंडामेंटल ग्रोथ आर अच्छा किसको बोलेंगे व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल ग्रोथ फंडामेंटल मींस क्या है बताइए कोई बताओ फंडामेंटल मींस क्या है अगर क्वेश्चन आता है कि राइट अबाउट द फंडामेंटल डेवलपमेंट और फंडामेंटल ग्रोथ क्या लिखेंगे हम एनी वन बोलिए बोलिए फटाफट बोलो मैं प्रोसीड करूंगी अच्छा मौलिक सो so, हम नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं बताइए मौलिक मीन्स होता है जो कि अनिवार्य है दैट मीन्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है उसको हम फंडामेंटल बोलते हैं जिसको रिमेम्बर करना मेमोराइज करना इम्पोर्टेंट होता है उसको हम फंडामेंटल बोलते हैं ठीक है थीके? अच्छा अभी देखिए आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड क्या होता है ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड होता है कि उसका जितनी भी डोमेन्स से वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए ग्रोथ हो जाए उसका जस्ट लाइक कॉग्निटिव डेवलपमेंट ठीक है मानसिक विकास हो गया सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास हो गया देन आपका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है भाषागत विकास हो गया और भी बहुत सारे हैं जैसे लाइक लैंग्वेज डेवलपमेंट के बाद है एसेंसियली इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन तो यहाँ पे आप ना इट इज एसेंशियल फॉर एवरी वन और इट इज एसेंशियली फॉर ऑल सबके लिए ये कम्पल्सरी है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट एजुकेशन शुड फर्दर एंड्रीज द गोल्स ऑफ सोशलिज्म सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी लास्ट क्लास संडे के दिन मैंने क्लास में ये वर्ड्स भी थे, बताए थे उससे पहले मैं आप लोगों को बताई हूँ ऑनलाइन में दैट इज सोशलिज्म हम सामाजिक हो रहे हैं सामाजिकरण हो रहे हैं हम एक साथ एक दूसरे को मिलते जुलते हैं सेक्युलरिज्म हम सर्वधर्म को क्या करते हैं सम्मान देते हैं दैट इज कॉल्ड सर्वधर्म सम्मन्न है हम लोग बोलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन देन डेमोक्रेसी हम डेमोक्रेटिक कंट्री में है तो सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेटिक कंट्री ये दोनों वर्ड्स ना बेस्ड करते हैं एक दूसरे के ऊपर जहाँ पे जस्टिस हो लॉ हो एंड उसके ऊपर डिपेंड करके हमारा सारे पॉइंट ऑफ व्यू निकलता है तो उसके ऊपर हम इम्पोर्टेंट रख रहे हैं एंड इम्पोर्टेंट रखते हुए यहाँ पे ये तीन को मेंशन करेंगे। अगर हम पढ़ते हैं तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा उत्पादन बढ़ेगा हमारा जो कर्म शैली है और कर्म क्षेत्र में हम क्या करेंगे और भी ज्यादा उन्नति करेंगे दैट इज अ हिंदी पार्ट अगर हमें पता रहा कोई भी चीज तो हम क्या करेंगे कहीं पे भी अच्छी जगह जॉब कर सकते हैं वहां पे अपने आइडियाज को देंगे बिकॉज़ वी आर एजुकेटेड सो हमारा जो थिंकिंग होगा वो बहुत ही ज्यादा मॉडिफाइड होगा तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं सो मेन पावर देन नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन दैट इज नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन मीन्स ये एजुकेशन ऑल बच्चे के लिए है इसी को हम बोलते हैं बिकॉज नेशनल सिस्टम मीन्स पूरे नेशन में जितना बच्चे हैं और जितने नंबर्स में बच्चे हैं उनको एजुकेशन मिलना चाहिए इसी पॉइंट पे ये काम कर रहा है दैट इज ये सिस्टम कौन सा लेगा स्ट्रक्चर कौन सा लेगा टेन प्लस टू प्लस थ्री ठीक है, तो एन पी हेज प्रपोज ने एजुकेशन देने के लिए न्यू बनाता है टेन प्लस टू प्लस थ्री का ओके नेक्स्ट देखिये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इट वर्ट्स एलिमेंटरी एजुकेशन टू एंट्रस्टेड टू द लोकल बॉडीज हम क्या करेंगे ना पहले सपोज आप देखो घर पे हेड कौन है घर पे हेड कौन है फादर हो गया या मदर हो गया है, तो वो लोग मदर नहीं है पेरेंट्स नहीं है तो गार्जियन कौन बनता है जो बड़े होते हैं घर के वो गार्जियन होते सो so, अभी देखो कि इनमें से इम्पोर्टेंट थिंग क्या है सपोज ये आपका लॉ कहता है कि आपके पेरेंट्स के पास आपका सारा कुछ कह रहेगा जी म रहेगा That means, आ,

तो वो आपके पास नहीं रहते हैं या फिर डेथ हो गया है एक्सीडेंटली जो भी हो गया तो उस टाइम पे आपका जिम्मेदारी कौन रहा बिकॉज इफ यू आर अंडर एटीन और अंडर सिक्सटीन ऑल्सो तो आप अपने बारे में इसको सोच नहीं सकते डिसाइड नहीं कर सकते तो उस टाइम पे पेरेंट्स के जगह पे जो बड़े होते वो लेते हैं राइट तो ये लॉ के अकॉर्डिंग ये सिस्टम है सेम चीज एजुकेशन में भी होता है सेंट्रलाइज्ड डिसाइज दो वर्ड्स मैं बता रही हूँ ट so so, में सारा जिम्मेदारी रह गया सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट ले रहा है तो इट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजन प्रोसेस ठीक है डी सेंट्रलाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से निकल के हम लोकल बॉडीज को काम करने के लिए दे रहे ठीक है सेंट्रल बॉडीज से निकल के हम लोकल बॉडीज को काम करने के लिए दे रहे तो लोकल बॉडीज जस्ट लाइक सराउंडेड इन ए सर्कल सर्कल क्यों बोली मैंने क्योंकि यहाँ पे ना क्या होता है जब लोकल बॉडीज़ का बात आता है तो इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट लेवल होता है स्टेट लेवल के बाद आता है सेंट्रल लेवल तो यहाँ पे हम पहले ग्रुप कर देते हैं जस्ट लाइक ये राउरकेला में आ, अगर आप गवर्नमेंट देखना चाहते हो तो राउरकेला में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गनाइजेशनस होंगे जो कि गवर्नमेंट के थ्रू ही चलता है जस्ट लाइक राउरकेला के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं फूड इंस्पेक्टर्स हैं या फिर आ, फ, आ, एजुकेशन इंस्पेक्टर्स हैं सब कोई छोटे छोटे पार्ट्स में काम करते हैं तो दीज आर द लोकल बॉडीज ठीक है लोकल गवर्नमेंट्स सो वो क्या करते सारे responsibilities हैं सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेता है आफ्टर दैट अगर वो नहीं कर सके दैन क्या करेगा डिस्ट्रिक्ट करेगा अगर डिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाए तो स्टेट स्टेट के बाद सेंट्रल ऐसे हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया ओनली सेंट्रल कर रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे हम काम को डिवाइड कर दिए तो काम का लोड भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो ये पॉइंट मेंशन किया गया पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में कि हर एक बच्चे को जैसे आप अच्छे से देख सको अभी सेंट्रल गवर्नमेंट तो वहाँ दिल्ली में बैठ के हमें चेक नहीं कर सकता ना हम कैसे पढ़ रहे हैं एजुकेशन कैसे चल रहा है स्कूल्स में कैसे पढ़ाई हो रहा है तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया कि हम लोकल बॉडीज को वर्क दिए एंड लोकल बॉडीज कंट्रोल एवरी एक्टिविटीज ऑफ द चाइल्ड एंड एवरी एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट ऑफिस एंड द स्कूल्स एंड फूड सेक्टर्स एंड ऑलेंट से भी एजुकेशन सेक्टर्स है उसके हिसाब से वहाँ पे काम मैनेज किया जाता है तो वो मैनेज करेंगे जैसे की सारे बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करें कोपरेट करें ठीक है नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल्स अभी डिफरेंट लेवल्स में मीन्स क्या हो जाएगा बताइए पहले तो हम अर्ली चाइल्ड हुड लेवल बच्चों को क्या चाहिए अर्ली चाइल्ड हुई इसका एक ऑर्गेनाइजन है पूरा देखो क्या है इॉर अर्ली चाइल्डहुड के लिए हो गया सी यहाँ पे सी केयर के लिए है एंड ई फॉर एजुकेशन ई सी सीई तो ई सी सीई क्या करेगा अभी के टाइम के जो आ, क्या होता है जितने छोटे छोटे एन होते हैं या फिर जहाँ पे आपका बच्चों को बहुत ही देखभाल किया जाता है एंड आंगनबाड़ी दैट इज कॉल्ड आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी में कुछ कुछ uh, टीचर्स को भी रखा जाता है जो कि कम पढ़े लिखे हैं प्लस टू तक या ग्रेजुएट्स हैं एंड उनको पढ़ाया गया है ट्रेनिंग दिया जाता है एंड उसके बाद कुछ बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बताया जाता है कि बच्चों को कैसे आप देखोगे कैसे उनका वेट मेजर करोगे उनके मदर को कैसे केयर करोगे बच्चों को कैसे केयर करोगे इंजेक्शन कैसे देना है वैक्सीनेटेड कैसे करना है So, ये सारा प्रोसेस उनको सिखाया जाता है तो ये किस लिए देखिए यहाँ पे तीन पॉइंट्स हैं द ओपनिंग ऑफ डे केयर सेंटर डे केयर सेंटर दिन में होगा बच्चों का केयर ओनली डे टाइम में होगा कुछ पेरेंट्स होते हैं ना जैसे काम करने जाते हैं वो हर दिन uh, मजदूरी करते हैं दैट इज दे आर लेबरर इन डिफरेंट प्लेसेस सो वर्कर हैं लेबरर हैं तो उनके बच्चों को कहा छोड़ के जाएंगे आंगनबाड़ी में जहाँ पे हम मेंशन करते हैं डे केयर सेंटर्स ऑल ओवर द कंट्री पूरे कंट्री में डे केयर सेंटर खोलना है देन नेक्स्ट क्या करना है यहाँ पे हम क्या करेंगे ना एट uh, यहाँ पे मेंशन है स्वीटेबल बोल सकते हैं स्वीटेबल वेजेस दैट मीन जहाँ पे जरूरत है जिस प्लेस में सपोज इन हिल स्टेशन एरियाज अगर देखा जाए तो वहाँ पे बच्चे प्रॉपरली एजुकेशन नहीं ले पाते बिकॉज स्कूल्स आर वेरी फार फ्रॉम देयर हाउस तो उनके घर से बहुत ही दूर होता है स्कूल्स एंड वो ले नहीं पाते शिक्षा तो उस पॉइंट के लिए हम क्या कर सकते हैं सुइटेबल एरियाज में ऐसे छोटे छोटे आंगनबाड़ी खोल सकते हैं जिसे हम पाठशाला भी बोल सकते हैं अभी के टाइम पर हम कुछ जगह पर बोलते खाने के साथ हम डे केयर सेंटर्स खोल रहे हैं दैट मीन्स उनको खाना भी मिलेगा पढ़ाई भी मिलेगा सब कुछ मिलेगा Then, one, two, uh, class के जितने भी स्टडीज है उनको बेसिक सिखाया जाता है बच्चों को उसके बाद स्कूल में एडमिशन कर सकते किया था आंगनबाड़ी इन ऑलमोस्ट ऑल विलेजेस सारे गाँव में आंगनबाड़ी खोलना है हाँ बोलिए कुछ बोल रहे होकेस्ट हम करते हैं ना यूनिवर्सल एलिमेंटरी एजुकेशन दैट इज कॉल्ड यू ई यूनिवर्सल एलिमेंटरी एजुकेशन एलिमेंटरी एजुकेशन को कंपलसरी करना है सारे बच्चों के लिए इसका स्टैंडर्ड्स भी हाई रखना है ठीक है इसका जो लेवल है उसको भी हाई रखना है उसके साथ जितना भी प्रॉब्लम है ये एलिमेंटरी एजुकेशन के थ्रू सॉल्व हो सकता है अगर बच्चे लिटरेट हो जाए तो जितना भी प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ा मोड़ा वो सॉल्व कर सकते हैं सो so, उसके लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट आपने लिखा मेंशन किया सपोज ये पॉइंट्स को लिख दें ये पॉइंट्स नहीं लिखा बिकॉज और भी पॉइंट्स हैं तो स्किप कर सकते हो ये बात सो एवरी स्कूल शुड प्रोवाइड एजुकेशन इक्वल टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग जितना मिल सके उतना हम करेंगे एंड उसके साथ क्या करेंगे कंप्लीटली बच्चे जैसे इन्वॉल्व हो एजुकेशन में उसके लिए और एक चीज किया गया था उस टाइम तक ना उससे पहले तक ब्लैक बोर्ड नहीं आया था स्कूल्स में ठीक है तो ये पॉइंट रखा गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये एक थीम बोल सकते हैं एक कंसेप्ट बोल सकते हैं जस्ट लाइक एस एस ए है स्कीम्स हैं वैसे ही एक स्कीम है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये क्वेश्चन ना मैंने जब ओटेड दिया था आ, प्रीवियस ईयर तो प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन आया था एंड ये क्वेश्चन में मेंशन था कि कौन सा एनपी में मेंशन किया गया कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के बारे में तो वो चीज़ याद रखो ये शॉर्ट क्वेश्चन है एंड इम्पॉर्टेंट है सो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड तो यहाँ पे ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड में क्या चाहिए अब अगर ब्लैक बोर्ड यूज करते हो तो उसके साथ क्या चाहिए चौक चाहिए डस्टर चाहिए क्लीनिंग के लिए ठीक है तो वो सारा चीज मैंशन करना है सो so, मैचुर uh, हम फैसिलिटीज मैटेरियल मैटेरियल फैसिलिटीज़ एज वेल एज द लर्निंग मैटेयल्स लर्निंग मैटेरियल इन स्कूल्स इज नोन एज अ टीएलएम टीचिंग लर्निंग मैटेयल भी आप मेंशन कर सकते हैं इक्विपमेंट बहुत सारे इक्विपमेंट हैं जहाँ पे यूज़ किया जाता है छोटे छोटे जैसे ड्राइंग सीट्स हो गए हैं छोटे छोटे uh, ऐसे बोर्ड्स हो गए हैं तो उसको हम इक्विपमेंट यहाँ पर मैंशन करेंगे वॉज नेम्ड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इस सबको यूज जब हम स्कूल में करने लगे प्रॉपरली इसको बोला गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सो उसके लिए जो फॉलोइंग फैसिलिटीज हैं उसको देखो अभी क्या क्या है टीचर इक्विपमेंट्स लाइक देखिए टीचर इक्विपमेंट्स अभी मेंशन किया था मैंने जिसको हमने टीएलएम बोला वही है टीचर इक्विपमेंट लाइक क्या क्या चाहिए टीचर को सिलेबस चाहिए टेक्सट बुक चाहिए एंड टीचर्स गाइड्स चाहिए नेक्स्ट क्या है क्लासरूम टीचिंग मेथड्स कौन से मेथड्स आप यूज कर सकते हैं जस्ट लाइक पहले के टाइम पे अगर सोशल स्टडीज़ पढ़ाया जाता था ना उस टाइम पे ग्लोब नहीं थे कंट्री के लिए कोई मैप्स नहीं था डिस्ट्रिक्ट स्टेट के लिए कोई मैप्स नहीं था तो ये चीज़ों को भी इंक्लूड किया गया ठीक है दैन नेक्स्ट देखिए प्राइमरी साइंस किट बच्चों के लिए छोटे छोटे साइंस किट लेके आओ जो यूजली वो यूज़ कर सकते हैं उसमें आ, थोड़े से आ, कुछ कुछ चीजें हो जैसे like हो देन uh, uh, यहाँ पे काउंटिंग के लिए और मेजरमेंट के लिए स्केल्स हो राउंड uh, हो तो ये सारी छोटे-छोटे चीज है जिसके थ्रू वो यूज करके छोटा कुछ बना सके या फिर एक लीव को वो मेजर कर सके तो ऐसा कुछ कुछ साइंस किट है ना साइंस रहेगा तो मिनी टूल किट भी रहेगा छोटा सा हम टूल किट भी यूज करेंगे यहाँ पे ओके okay. नेक्स्ट देखिये मिनी टूल किट स्कूल बुक्स फॉर लाइब्रेरी लाइब्रेरी के लिए बुक्स रहेंगे देन और क्या रहेगा कंटीजेंसी मेनली नॉर्मली जो स्कूल्स के लिए असाइन करना चाहिए उसमें क्या होता है कंटीजेंसी मेनली में एक्चुअली मेंशन किया जाता है चेयर आपके बेंचेस हो गए टीचर्स के लिए सिटिंग के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए एंड उसके साथ क्लॉथ्स रहेंगे एक एक आ, हम बोल सकते हैं यहाँ पे बच्चों को कुछ कुछ मिनी किट्स हम देंगे जस्ट लाइक स्कूल बैग्स वाटर बॉटल्स ये सब अभी का नहीं है पहले का है नाइनटीन एटी सिक्स का है ओके okay? देन और क्या दे सकते हैं जस्ट लाइक यहाँ पे हम प्रॉपरली स्कूल्स में हाइजीनिक पॉइंट से भी देखना पड़ेगा तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में टॉयलेट ब्लैक बोर्ड चौक डस्टर वॉटर फेसिलिटीज ये सब मैं सो द प्रोग्राम ऑफ एक्शन दट इज दी ओ ए पीओ ए का फुल फॉर्म है प्रोग्राम ऑफ एक्शन शॉर्टकट आप मैंशन करते रहिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन ठीक है आपने जो एक्शन लिया तो उसका रिजल्ट क्या आएगा प्रोग्राम ऑफ एक्शन पी ओ एल्सो सजेस्ट एट लीस्ट ऑफ टू टीचर आउट ऑफ विच वन शुड बी एमेन सो पहले के टाइम पे होता था ना कि स्कूल्स में ओनली मेल स्टाफ रहते थे मेल टीचर्स रहते थे तो गर्ल्स आर नॉट कम पीओ एल्सो सजेस्ट एट लीस्ट टू टीचर्स टू टीचर्स तो मैंशन किया जाएगा की कि एक क्लासरूम के लिए जस्ट लाइक like अभी के क्या है साइंस के लिए अलग टीचर हैं आर्ट्स के लिए अलग टीचर हैं आर्ट्स ग्रुप के लिए जैसा लाइक हिस्ट्री जोग्राफी मैथ्स ये सब डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स होते हैं ना तो उस टाइम में वैसा नहीं था एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाते थे बिकॉज मैक्सिमम टीचर्स आर नॉट एलिजिबल टू टेक क्लासेस इन द स्कूल्स बिकॉज दे हैव नो बी एड ट्रेनिंग वहाँ पर तो बी एड मैंशन नहीं है इसको बोला जाता था टीचर ट्रेनिंग तो उनके पास नहीं था उस टाइम पर नहीं था तो उस वजह से यहाँ पे मैक्सिमम टू टीचर्स को रखना पड़ेगा एंड उनमें से एक को होना चाहिए क्या उमैन एंड इसमें मैं आर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे कहीं पे भी आप देखोगे ना तो मोस्ट प्रोबेबली आपको आर ही मिलेगा वेयर बहुत कम मिलेगा जहाँ पे एक्सप्लेन करना रहता है वेयर मिलेगा बिकॉज ये सारे रिपोर्ट्स हैं तो उस टाइम में क्या क्या मेन्शन था तो उस अकॉर्डिंग है ओके okay? नेक्स्ट सेकेंडरी एजुकेशन में क्या करेंगे सेकेंडरी एजुकेशन में क्या क्या पॉइंट्स होना चाहिए टेलिंग अप अप दैट इज नवोदय विद्यालय हम क्या करेंगे ना टेलिंग अप बोर्ड सॉरी सेटिंग अप टेलिंग अप दिख रहा है सेटिंग अप ऑफ नवोदय विद्यालय और दैट इज कॉल्ड द ओपनिंग ऑफ नवोदय विद्यालय लिख सकते हो ओपनिंग अप नवोदय विद्यालय एन बी एस लिख सकते हो ओपनिंग ऑफ एन बी एस दैट इज़ अ पेस सेटिंग स्कूल्स इसको क्या बोलते थे पता है पेस सेटिंग दैट इज़ अ रिदम रिदमिक कंडीशन में बच्चों को लाना रिदम व्हाट डू यू मीन बाय रिदम दैट इज़ अ आपको मैं एक टर्म बोली थी हारमोनियस रिदम और हारमोनियस डेवलपमेंट ठीक है हारमोनियस मीन्स होता है कि आपका लाइफ ठीक चल रहा है नॉर्मल है रिजल्ट प्रोडक्ट सेम है बट अप डाउन्स आते जाते रहते हैं तो यहाँ पे भी बच्चों को एक रिदम में लाना है कॉन्टीन्यूसली उनको एक एजुकेशन सिस्टम में डालना है कि एवरी डे आपको जाना है स्कूल इतने टाइम पे आना है स्कूल से इतने टाइम पे पढ़ाई इतना करना है तो ये हो गया पेस सेटिंग रिदम दैट इज़ पेस सेटिंग रिदम से लाना है बोल के जो स्कूल लाएगा उसको हमने स्कूल मेंशन किया पेस सेटिंग स्कूल्स अभी तक एनबीएस में बहुत ही स्ट्रिक्टली ये रूल को फॉलो किया जाता है कि वो एक टाइम पर अगर स्कूल जाते हैं उतना टाइम तक तो उनको पूरा पढ़ना पड़ेगा बाउंड है एंड उसके बाद जब छुट्टी हो तो वो जा सकते हैं तो वो फिक्स टाइम पीरियड में वहाँ पे उनको रहना है काम करना है पढ़ाई करना है बहुत अच्छे से ट्रिट किया जाता था केयर लिया जाता था ये सब के ऊपर तो दैट इज़ कॉल्ड द पेस सेटिंग स्कूल्स एंड नॉर्मल स्कूल्स को हम पेस सेटिंग स्कूल्स नहीं बोलते हैं बिकॉज़ यहाँ पे बच्चे एक गलत टाइम पे भी आ सकते हैं कभी कभी कपड़े अलग पहन सकते हैं तो इसको हम प्रॉपरली नहीं मानते हैं ओके okay. सो so, इसके मेन फीचर्स क्या थे इस टाइप के स्कूल्स के सच स्कूल्स विल एडमिट गर्ल्स टू रेशियो ऑफ वन थर्ड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ठीक है विल एडमिट गर्ल्स को यहाँ पे एडमिशन दी जाती थी कितने रेशियो में कितने अनुपात में वन थर्ड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट वन थर्ड ठीक है तो वन थर्ड हम कैसे मेंशन करेंगे अगर नहीं समझ आए तो एक सर्कल बना लो एंड इसमें वन थर्ड कर लो ठीक है ये हो गया वन थर्ड तो यहाँ पे जैसे ये जो ग्रुप रहा या फिर कोई एक एक भाग ओनली एक भाग में क्या रहेंगे गर्ल्स रहेंगे वन बाई थ्री हम मेंशन कर सकते हैं ठीक है और क्या रहेगा रिजर्वेशन सीट्स रहेगा एस टी एस सी के लिए एस टी एस सी के लिए रिजर्वेशन सीट्स ये वुमेंस के लिए हो गया ये बॉयज़ के लिए है, जो जेंटल्स हैं ठीक है इतने डिविजन्स थे नेक्स्ट आर रेसिडेंशियल एंड फ्री ऑफ चार्ज अच्छा यहाँ पे शॉर्टकट मेंशन किया गया है स्क्रीन नॉट सोइंग अच्छा स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या ये सुन लो ये सुन लो विजिबल है इज इज विजिबल और नॉट सिस्टम को नवोदय स्कूल्स को तब बोला जाता था पेस सेटिंग पे, पेस सेटिंग स्कूल्स नॉर्मली जिसको हम मेंशन करते थे जस्ट लाइक आर्मी स्कूल्स होते हैं ना कितने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं वैसे नवोदय विद्यालय में भी एक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता था जहाँ पे बच्चों को इतने अच्छे से गाइड करते थे कि उनका लाइफ एक हारमोनियस डेवलपमेंट शो करता था ठीक है और अच्छा कट के आ रहा है ओके okay. थोड़ा बहुत आ रहा है थोड़ा बहुत आ रहा थिंक एक्चुअली इधर बारिश हो रहा था इस वजह से ऐसे हो रहा है सो so, उस अकॉर्डिंग ये मेंशन ये पर थोड़ा बहुत सुन लो कुछ भी प्रॉब्लम होता है एक बार पढ़िएगा कुछ प्रॉब्लम होता है फिर मैं बताऊँ ओके okay? ठीक मेन फीचर्स में और क्या मेंशन करेंगे देखिए डायग्राम यहाँ पे ना फटाफट -फड़ से आप लोग एग्जाम में अगर टाइम नहीं होता तो आप क्या करते हो कि ऐसे डायग्राम बनाओ वहाँ पे थर्ड थ्री पार्ट्स बना दो तो वन थर्ड पार्ट मेंशन किया गया था कि गर्ल्स के लिए है तो वन थर्ड पार्ट तो हम रख देते हैं वुमेंस के लिए या गर्ल्स के लिए एंड फर्स्ट जो और एक पार्ट रह गया और एक पार्ट रह गया उसको हम स्पेशली रख रह रहे हैं रिजर्व करके एस टी के लिए ठीक है ये रिजर्व हो गया एंड जो लास्ट पार्ट बज गया ये हो गया बॉयज़ के लिए सो so, बॉयज़ हो गए गर्ल्स हो गए एंड एस टी एस हो गया तो टोटल स्कूल्स में ऐसे सिस्टम में चलता है एंड अभी भी यही सिस्टम है टोटल एंड सपोज बच्चों को ना कोई हम बच्चों को रहना है कुछ उनको पढ़ना है तो क्या करना पड़ता है हम बोलते हैं जैसे गुरुकुल सिस्टम में था ना अगर पढ़ाई करना होता था तो वो राजा महाराजा के जो बच्चे होते थे उनको जा के रहना पड़ता था आश्रम में तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ है कि रेसिडेंशियल अगर आप कहीं के रहने वाले भी हो या फिर आस आपके नवोदय विद्यालय हैं फिर भी आपको उसी नवोदय विद्यालय और स्कूल्स में ही रहना पड़ता था स्कूल्स के जो मतलब उसी स्कूल के जो भी हॉस्टल्स होते वहाँ पे एंड दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट और फ्री ऑफ चार्ज आप फ्री में रह सकते हो खाना पीना फ्री था स्पेशल एम्फेसिस हम किसे देंगे दैट इज़ द डायग्नोस्टिक एंड रेमिडियल टीचिंग के ऊपर दे दी ज्यादा इम्पॉर्टेंट टीचिंग मैथड्स डायग्नोस्टिक जहाँ पे अपना डायग्नोस्टिक आप uh, पेडागोजी में भी पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक वर्ड यूज होता है मेडिकल साइंस में और मेडिकल रिसर्च वर्क में जहाँ पे डॉक्टर्स क्या करते हैं डायग्नोसिस करते हैं अपने वर्क का या फिर अपने पेशेंट्स का टू चेक द प्रॉपर पॉइंट ऑफ़ डिजीज़ यहाँ पे डिजीज़ कहाँ है या प्रॉब्लम कहाँ है उस इश्यूज को फाइंड आउट करना फाइंड आउट करके सॉल्व करना उसी पॉइंट पे वर्क होता था तो डायग्नोस्टिक टीचिंग में भी हम सेम चीज पे ही वर्क करते हैं मतलब हमें बच्चों का प्रॉब्लम कहाँ है ये समझना पड़ता है एंड उसके थ्रू बच्चों में अगर प्रॉब्लम है तो उन बच्चों को पहले सेपरेट करो सेपरेट करके रिमेडियल टीचिंग में डालना पड़ता था रिमेडियल टीचिंग जो प्रॉपर केयर के साथ डबल रिपीट करके पढ़ाएं उनको समझाएँ एंड उनका डेवलपमेंट प्रॉपर करे बिकॉज आप जानते हो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है तो हम लोग सारे डिफरेंट पर्सनस हैं एंड एक का लेवल हो सकता है हंड्रेड परसेंट है दूसरे का लेवल फिफ्टी परसेंट होगा तो एक चीज़ को समझने के लिए किसी को पाँच मिनट लगता है तो किसी को दस मिनट तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंसेस आएंगी ठीक है उसके ऊपर एन्वायरमेंट है कैरेक्टर है सक्सेस है बहुत सारी चीज़ें हैं एजेस हैं बहुत कुछ है तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे दो टीचिंग मेथड यूज किया गया फॉर द सेकेंडरी लेवल सेकेंडरी लेवल के लिए हम यूज करें एक हो गया डायग्नोस्टिक दूसरा हो गया रिमेडियल टीचिंग रिमेडियल टीचिंग एंड उसके बाद अप्लाइड क्या 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 पता है सी बी सी एस पेट दैट इज कॉल्ड हम सी बी एस ई बोलते हैं कभी कभी सी बी सी एस भी बोल देते हैं बट ये है सी बी एस ई सी अभी जो हम लोग सी बी एस सी या फिर आई सी एस सी है सी एच एस सी है वही है तो कुछ लोगों को पूछो ना अभी नॉर्मल में हम लोग सी बी सी एस सी बी सी एस बोल देते एक्चुअली सी बी एस ई ठीक है सी बी एस ई पैटर्न को अप्लाइड किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम कहाँ पे नवोदय विद्यालय में देन वोकेशनल एजुकेशन वोकेशनल एजुकेशन कब होना चाहिए वोकेशनल एजुकेशन एक स्ट्रीम जैसा होना चाहिए स्ट्रीम क्या है हमारा स्ट्रीम सारा अलग अलग है साइंस uh, स्ट्रीम है आर्ट्स स्ट्रीम है ऐसा मेंशन किया गया है तो अभी देखो और एक स्ट्रीम रखा गया कॉमर्स साइंस आर्ट्स को छोड़ के भी और एक स्ट्रीम मेंशन किया गया वोकेशनल स्ट्रीम एंड वोकेशनल स्ट्रीम प्लस टू लेवल का है प्लस टू लेवल में है एंड इसमें बच्चों को एटलीस्ट टेन परसेंट 10% suggested that at least 10% of children बच्चों के अंदर जितने टोटल बच्चे उनमें से दस 10% बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन लेना ही पड़ेगा एज अ स्ट्रीम अपने स्ट्रीम में ऐड करना पड़ेगा तो उनको क्या-क्या रिकमेंड किया गया कि अगर वो लेते हैं तो क्या-क्या करना है स्वीटेबल फाइनेंशियल एलोकेशन फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड स्टार्टिंग ऑफ न्यू कोर्सेस इसमें हमने क्या किया पहले तो एलोकेट किया गया फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया वोकेशनल एजुकेशन को बिकॉज उस टाइम में वोकेशनल एजुकेशन को नॉर्मल हमने सपोर्ट किया था जस्ट लाइक थ्रू वर्धा स्कीम और द बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन जैसे गार्डनिंग था स्पिनिंग था बट अभी के टाइम पे तो और भी ज्यादा डेवलप्ड होना पड़ेगा आई uh, टी डिप्लोमा ऐसा इंजीनियरिंग ये सब हो गया तो इसके लिए पहले तो गवर्नमेंट उसको क्या देगा फाइनेंशियल सपोर्ट देगा उसके बाद उसमें न्यू कोर्सेस भी ऐड हो ठीक है नंबर टू कोर्सेस मे हेल्प यू टू बिकम गेनफुली सेल्फ एम्प्लॉयड शुड बी प्रोवाइडेड तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि कोर्सेस मे हेल्प द चाइल्ड टू गेन ए जॉब इतना भी लिख सकते हैं टू गेन ए जॉब इतना मेंशन कर सकते हैं कि कोर्सेस जो रहेगा नहीं दिखाई देना पीडीएफ ओपन कर लो प्लीज थोड़ा वॉइस आ रही है तो हाँ बिकॉज नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है कुछ लोग आ रहा है कुछ नहीं आ रहा होगा अच्छा अब पीडीएफ थोड़ा प्लीज ओपन कर लो मैं बताती हूँ यहाँ पे सुन लो ना पूरा स्टोरी जैसा सुन लो अच्छे से एक बार पढ़ोगे याद रह जाएगा अच्छा कोर्सेस विच मे हेल्प हेल्प द यू नहीं लिखना है यहाँ पे चाइल्ड लिखता था बट यहाँ पे यू हो गया हेल्प द चाइल्ड

कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ़ सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड वर्कर्स सुपरवाइजर एंड इंजीनियर्स तो यहाँ पे क्या मेंशन करिए और कि हम ऐसे कोर्सेस देंगे कौन से कोर्सेस देंगे जिसके थ्रू प्रिपेयर कर सके बच्चों को डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन के लिए जैसे कि अभी अगर हम एमबीबीएस हो जाते हैं मेडिकल पढ़ना चाहते हैं तो मेडिकल पढ़ने से पहले भी हमें क्या करना पड़ेगा कुछ कुछ साइंस uh, के ऊपर नॉलेज होना चाहिए साइंस में हमें प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए तब हम मेडिकल में जाएंगे अभी मेडिकल होने के बाद परफेक्टली एक जॉब मिलेगा दैट इज मेडिकल में हम uh, पूरे कोर्सेस को कंप्लीट करेंगे आफ्टर दैट हमें डॉक्टर का जॉब मिल गया अभी डॉक्टर का जॉब जो है वो फिनिश करते करते हमें और भी क्या करने पड़ेगा स्पेशलिस्ट कोर्सेस करने पड़ेंगे तो ये एक टाइप का कोर्स है जिसके थ्रू आपको हेल्प मिलेगा कॉन्स्टेंटली हेल्प मिलेगा कि इसके थ्रू सेमी स्किल्ड हाफली स्किल्ड जो कि हाफली मतलब सीखे हुए हैं आधे सीखे हुए हैं और पूरे सीखे हुए हैं ऐसे वर्कर्स मिलेंगे सुपरवाइजर्स मिलेंगे जो देखभाल कर सकते हैं रोड्स कैसे बन रहे हैं बिल्डिंग्स कैसे बन रहे एंड इंजीनियर्स मिलेंगे आपको एटसेट्रा ठीक है अभी कोर करिकुलम अभी करिकुलम कैसा होना चाहिए करिकुलम में क्या क्या होगा करिकुलम में ना पहला तो चीज याद रखिएगा जितने भी कमीशन इंडियन हेरिटेज के ऊपर ही था लैंग्वेज हेरिटेज तो उसी के पॉइंट पे हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट ये करिकुलम में होना चाहिए जो कि आपका हिस्ट्री बुक में है कंस्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन कंस्टिट्यूशन पार्ट में जो आपके राइट्स हैं फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो भी इंक्लूडेड है इंडिया कॉमन कल्चरल हेरीटेज कल्चरल हेरीटेज के बारे में आपने आ, हिस्ट्री में भी पढ़ा है बट स्पेसिफिकली आपने जोग्राफी में एड किया है बिकॉज वहाँ पर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज़ के ऊपर रिवर्स के ऊपर मैप्स के ऊपर वर्क करते हो तो उसमें भी मैंशन रहता है इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस जो भी सेक्सेस हैं दैट इज मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर सबको इक्वल सेक्सेस बोल के हम रेस्पेक्ट देंगे रिमूवल ऑफ सोशल बेरियर्स सोसाइटी में जितने भी बेरियर्स हैं उसको हटाएंगे प्रोटेक्शन ऑफ द एन्वायरमेंट एनवायरमेंट को बचाएंगे ठीक है अभी टीचर्स एजुकेशन क्या होना चाहिए ये क्वेश्चन ना इस बार आया था पता है इस बार का जो ओ एस एस टी टी था ना ये क्वेश्चन था इसमें इम्पोर्टेंट ठीक है यहाँ पे इम्पोर्टेंट था दैट इज ऑप्शन में देखिएगा और एक भी है एन सी ई आर टी भी है सो यहाँ पे एटसेट्रा मेन्शन है तो यहाँ पे एन सी आर टी भी मेन्शन कर दीजिएगा एन सी आर -E टी ठीक है ये सारे ना छोटे छोटे कमिटीज़ हैं एन सी आर टी एन सी टी ई डी आई ई टी एन आई पी ई टी ये सारे और भी थे तो ये सारे क्या करते हैं कि बच्चों को तो हम स्कूल्स दे रहे हैं बच्चे पढ़ेंगे पर स्कूल्स में जैसे टीचर्स प्रॉपर नॉलेज के साथ आ सके तो उनको बी ट्रेनिंग दैट इज कॉल्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम रिकमेंड किया गया एंड उसके थ्रू उसके लिए एस्टाब्लिश किया, किया गया डी आई ई टी एन सी टी ई एन सी ई आर टी ये सारे कमीशन को बिठाया गया तो ये कमीशन अभी क्या करेंगे जितनी स्कूल्स में टीचर्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग पहले तो वो क्या करेंगे छोटे छोटे से बी एड बनाएंगे एंड वहाँ पे बच्चों को पढ़ाएंगे बच्चों को मीन्स टीचर्स को टीचर्स को पढ़ाएंगे अभी टीचर्स को ट्रेनिंग देने के बाद उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम देना है जस्ट लाइक अस एंड उसके बाद वो जा सकते हैं कोई भी जॉब पे दैट मीनस टीचरशिप के कोई भी जॉब पे कोई भी पोस्ट के लिए एजुकेशन फॉर इक्वालिटी एजुकेशन क्यों चाहिए एजुकेशन सबके लिए जैसे इक्वल हो उसी चीज के ऊपर चाहिए जो ये डिस्पैरिटीज है ना डिस्पैरिटीज का मतलब जानते हैं देखो यहाँ पे दो पार्टीज हैं ठीक है थिके? दो पार्टीज अगर डिफरेंट वाम करें एक सोच लो बीजेडी है और एक हो गया बीजेपी तो so, ये दोनों डिफरेंट वर्क करेंगे डिफरेंट एरियाज में वर्क कर रहे हैं दोनों के अंदर कंफ्लिक्ट भी है तो ये दोनों सेपरेट हो गया तो दैट इज कॉल्ड डिस्पैरिटीज अगर मुझे इक्वल करना है ना इन लोगों को तो क्या हटाना पड़ेगा पता है पॉलिटिक्स हटाना पड़ेगा तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी एक पॉइंट मेंशन है फॉर द रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज एंड टू हम क्या करें इक्वल करें इक्वलाइज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन के थ्रू जो अपर्चुनिटीज मिलना चाहिए इक्वल सबको मिलना चाहिए तो उसके लिए रिकॉमेंडेशन क्या -क्या क्या -क्या फॉरिटी पहले के टाइम पे मैंने वो पढ़ाया नहीं जाता था सो so दैट जैसे एलिमेंटरी स्टेज तक एलिमेंटरी स्टेज तक प्राइमरी स्टेज तक बच्चे पढ़ सके गर्ल चाइल्ड में पढ़ सके तो उसके लिए वुमेन एम्पारमेंट का प्रोग्राम चला एंड उसके थ्रू यहाँ पे जितने भी लोग हैं ठीक है वो कमेटी के मेंबर्स हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हैं क्यों इसके थ्रू उन्होंने सेट किया बाई दी में उन्नीस सौ नब्बे तक के अंदर प्राइमरी एजुकेशन गर्ल्स चाइल्ड को मिल जाना चाहिए जितने भी लोग पढ़ना चाहते हैं सबको मिलना चाहिए एंड सेकेंडरी लेवल तक हम नहीं पहुंचे उससे नीचे थोड़ा है अप टू एलिमेंट्री स्टेज एलिमेंट्री स्टेज तक हो जाना चाहिए 1995 तक सो so, उस टाइम के जितने भी बच्चे हैं 1995 तक एलिमेंट्री एजुकेशन को स्टार्ट कर चुके थे उस टाइम के एंड डे बाय डे उसके बाद इंक्रीज होने लगा दिस इज दीरियड उन्नीस सौ नब्बे एंड उन्नीस सौ पंचानवे दैट इज कॉल्ड नाइनटीन और 1995 ये ये दोनों स्टार्टिंग पीरियड है अभी देखो एजुकेशन ऑफ एस टी एस सी ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये आप जानते भी हो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको फटाफट से बताती हूँ देखो रेगुलरली ये बच्चे कहाँ जाएंगे स्कूल जाएंगे अप टू द एज ऑफ फोर्टीन ठीक है उनकी फैमिलीज को हेल्प दिया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू सपोर्ट दिया जाएगा कि बच्चों को सिर्फ पढ़ने भेजो ठीक है देन प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दिया जाएगा जिन बच्चों की फैमिलीज बहुत ही ट्राइबल एरियाज में हैं दैट इज वहाँ पे कोई ऑक्यूपेशन उनका नहीं है आ, खाने को नहीं मिलता तो उन बच्चों को जैसे पढ़ा सके तो इसके लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलेगा दैन ऐसे टीचर्स को रिक्रूट करेंगे जो कि शेड्यूल कास्ट से हो शेड्यूल ट्राइब से हो जो कि उनके प्रॉब्लम को समझ सके एंड लोकेशन ऑफ द स्कूल बिल्डिंग्स दैन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हम बोल सकते हैं कि बिसाइड दिस और भी बहुत सब है यहाँ पे आंगनबाड़ीज़ बोलते थे तो उस टाइम पे ना वालवाड़ीज़ होता था दैट इज़ आंगनबाड़ी को ही बालवाड़ी बोला जाता था छोटे बच्चों के लिए ठीक है एंड एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स भी खोले जाएंगे एस टीज के लिए स्पेशली फॉर दी एस पहले एस के लिए ही खोला गया उसके बाद एस के लिए आया ठीक है ये सारे पॉइंट्स थे एजुकेशन फॉर हैंडीकैप्ड एंड माइनॉरिटीज दो माइनॉरिटीज ग्रुप्स के लिए एंड हैंडी के लिए हम एजुकेशन देंगे जस्ट लाइक हॉस्टल फैसिलिटीज मिलेगा डिप्राइव सेक्शन एजुकेशन फॉर हम माइनॉरिटीज़ में जो डिप्राइड सेक्शंस हैं डिप्राइड बैकवर्ड सेक्शंस हैं उनके लिए एस टीज हैं जो उनके लिए एजुकेशन जो कि आप एस सीज में जो जो पॉइंट्स मेंशन किए ना सेम रहेगा इनके लिए हैंडीकेप्ट बच्चों के लिए भी स्कूल्स मेंशन किए जाएंगे प्रॉपरली उनको लेना आना करने के लिए भी व्हीकल्स रहेगा कुछ एक प्रॉपर एरिया में बिल्डिंग बनेगा सो so वो खुद से भी जा सके एंड उनके लिए जो बिल्डिंग्स में ज़्यादा स्टेयर्स नहीं होंगी ये सारे पॉइंट्स हैं फॉर हैंडीके लिए कौन से होस्टल फैसिलिटी शुड बी डर्न उनके लिए बनाए जाएंगे एडल्ट एजुकेशन बच्चों को ना एडल्ट एजुकेशन देना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज अस लिटरेसी प्रोग्राम मास लिटरेसी प्रोग्राम मास मीन्स हैवी अमाउंट और ह्यूज अमाउंट में स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब कुछ क्या करेंगे सब कुछ मिलके सब कुछ मिलके एक ग्रुप बनाएंगे जिसके थ्रू वो चाहते हैं कि एडल्ट्स को हम क्या कर सकते गाइड नहीं कर पाते तो एडल्ट होने से पहले ही बच्चों को एडल्ट एजुकेशन के बारे में बताया जाए एंड लिटरेसी प्रोग्राम्स को हम चला सकें ओके okay? हायर एजुकेशन हायर एजुकेशन में बहुत सारे पॉइंट है जस्ट लाइक सेम पॉइंट जो जो थे वही है ये डिपेंड करता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ दिचुएशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सराउंड एनवाइ विद द इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंटल थिंग्स डेवलपमेंटल थिंग्स मीन्स डेवलपमेंट ऑफ द कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज तो दैट इज ऑटोनोमस कॉलेज आ गया ठीक है स्ट्रेंदनिंग ऑफ रिसर्च रिसर्च वर्क को उस टाइम पे बहुत सपोर्ट किया गया एक्जिस्टेंस uh, हम क्या करेंगे दैट इज एक्सटेंशन करेंगे उसके साथ एग्जिस्टेंस जो सिचुएशन था एग्जिस्टिंग सिचुएशंस के ऊपर जो पहले से प्रेजेंट था उस सिचुएशंस के ऊपर हम काम करेंगे एंड बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को हम एक्सटेंशन करेंगे एंड लास्ट क्रिटिकल एस्टिमेट फॉर द एन ठीक है क्रिटिकल एस्टिमेट तो आप इससे क्या क्या समझे वो लिखना है सो so, पहला तो रिगार्डिंग ई e -E, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन था उसके लिए इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था डे केयर सेंटर्स हैं तो इसको चलाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था बिकॉज पेरेंट्स जो चल जाते थे वो कोई भी फीस नहीं देते थे या पे नहीं करते थे इसलिए लास्ट नंबर ऑफ विलेजेस में ये हो नहीं पाया मतलब हो के भी बन के बंद हो गया थ रिगार्ड टू ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है अंडर दी प्रेजेंट कंडीशन उस टाइम में गरुंग जो प्रेजेंट कंडीशन था गवर्नमेंट स्कूल्स थे वेयर इवन मिनिमम फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल हाउ कैन वी टॉक अबाउट लिस्टेड, जो मटेरियल्स ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में मेंशन था अगर मिनिमम अमाउंट का ही एजुकेशन नहीं मिल रहा तो हाई लेवल ऑफ एजुकेशन कैसे दे क्यों सोच सकते क्यों सोचे उस पॉइंट के ऊपर जो भी लिस्टेड है कैसे सोच सकते हैं उस पॉइंट के ऊपर देन नेक्स्ट नॉन फॉर्मल एजुकेशन एट एलिमेंट्री नॉट प्रैक्टिकल एलिमेंट्री लेवल पे आके नॉन फॉर्मल एजुकेशन डिस्टेंस एजुकेशन दे तो चलेगा क्या ऑब्वियस नहीं एन पी आप लिख सकते हैं और एवॉइडेड आप मेंशन कर सकते हैं एक ही टाइप का मीनिंग है यहाँ पे इवेडेड एक uh, हिस्ट्री पॉइंट से आपके बुक में ही मेंशन है ये वर्ड तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम चेंज कर दीजिए एवॉइड लिख सकते हैं बिकॉज एन पी क्या एवॉइड किया पता है कॉमर्सियलाइजेशन कॉमर्सियलाइजेशन दैट इज हम मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं तो इंडस्ट्रीज के ऊपर कोई पॉइंट नहीं आया हम वर्कर्स बना रहे हैं बट इंडस्ट्रीज में ऑपरचुनिटी में मिलने चाहिए उस पॉइंट को देखने के लिए भी तो कुछ इंस्पेक्शंस या कुछ होना चाहिए ना तो उस पॉइंट पे उन्होंने बात नहीं किया पॉलिसी डजेंट प्रॉपर एनी चेक्स चेक्स मीन्स यहाँ पे फंड्स के ऊपर कोई प्रॉब्लम था जो जिसे चेक नहीं कर पाए उसके बाद और भी है इंस्पेक्शन के लिए कोई नहीं था सुपरविजन के लिए कोई नहीं था ये पॉलिसीज़ वर्क कर रहा है वर्कबल है कि नहीं है उसके लिए कोई नहीं था एंड उसके बाद ये तो गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए बट पब्लिक स्कूल्स भी तो चल रहे थे ना तो उसको कैसे चलाए बिकॉज पब्लिक स्कूल्स अगर चलता है तो गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं चलेंगे तो इसमें बहुत सारे इशूज आ गए तो उसी इशूज को फिर से सॉल्व किया गया रिवाइज नेशनल पॉलिसी में इतने क्लियर हैं आप ये सुन लो